आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन स्टूडियोस में हमारे साथ ही मौजूद हैं। प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि एक मरतबा फिर से 25 जुलाई के इंतखाबात की मुहिम खून में नहला दी गई। 2012 में शहीद किए जाने वाले बशीर बलोर के बाद अब की बार उनके साहबजादे हारून बलोर इंतखाबी मुहिम के दौरान खुदकुश हमले में शहीद कर दिए गए। सवाल यह है कि इस टूटी हुई कमर के साथ दहशतगर्दों के ये वार आखिर किसके लिए चैलेंज है, इस पर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बात होगी। मुझे जेल भेज दें या फिर फांसी पर लटका दिया जाए, कौम का साथ नहीं छोड़ूंगा। जेल की कोठरी सामने देख कर भी वोट को इज्जत दो का वादा पूरा करने के लिए जा रहा हूं। हमें सजाएं देने का फैसला कहीं और हो चुका था जिसे 5 बार तब्दील करके सुनाया गया। नवाज शरीफ साहब की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन पर शक के साए पड़े तो 25 जुलाई की शाम शदीद एहतजाज होगा, शहबाज शरीफ साहब ने भी खबरदार कर दिया। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रोग्राम मुकाबिल के तहकीकाती सेल ने इस बात का खोज लगा लिया है कि फिर डैम्स की तामीर के लिए रकम कहां से इकट्ठी की जा सकती है। आईएसआई असर खान का पैसा हो, गर्दशी कर्जों में गैर कानूनी तौर पर अरबों रुपए की अदायगियां हो, नैब के 179 मेगा स्कैंडल्स में मुल्ज़िमान से लूटा गया अरबों रुपया हो, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की खुफिया जायदादें हो, या फिर एफआईए की जानिब से ग्रैंड हायट होटल को दी जाने वाली 25 अरब रुपए की बहुत बड़ी क्लीन चिट, इन सब से अरबों रुपए बरामद करके डैम्स की तामीर आखिर क्यों नहीं की जा सकती, तफसील से बात करेंगे। और बात होगी उस एचबीएल बैंक की भी जिससे अमरीकियों ने गर्दन पर अंगूठा रखा और 25 अरब रुपए जुर्माना वसूल किया। जब पाकिस्तान में डैम्स की तामीर की बात हुई तो सिर्फ 10 करोड़ पे निकाल कर देकर हातिम ताई की कब्र पर भी लात दे मारी। आगे बढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक बात होगी। 1992 एक्ट के तहत बैरूने मुल्क पैसा ले जाने पर कोई कदगन नहीं थी, लोग वाइट कॉलर क्राइम करके पैसा लूट कर चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने बैरूने मुल्क में रखी गई दौलत वापस लाने के लिए दीगर ममालिक से मुआहिदों पर काम शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी है। बात होगी तलाल हाशमी, तलाल चौधरी साहब की, जिनके निहाल हाशमी और दानियाल अजीज के बाद अब उनके सियासी मुस्तकबिल का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तलाल चौधरी ने अदलिया मुखालिफ तकारीर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। अदालत तहम्मुल का मुसाहिरा करे तलाल चौधरी के वकील की सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा। तलाल चौधरी ने कभी माफी नहीं मांगी, इनका मुकदमा अदालती तहम्मुल ही है, जस्टिस गुलजार का जवाब। तलाल केस का फैसला इलेक्शन से पहले होगा या बाद में, इस पर भी बात करेंगे। और बात होगी निगरान वजीर आला जस्टिस दोस्त मोहम्मद इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले केपीके में अपना चीफ सेक्रेटरी और आईजी लाने के लिए कोशा है, इस पर भी कुछ बात होगी। शुरू करेंगे आमिर साहब उस वाक़े से, उस हादसे से मुतालिक जो कल रात पेश आया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो यकीनी तौर पर कम है, मगर इस धमाके ने, इस खुदकुश हमले ने कई ऐसे सवाल हैं सिक्योरिटी से मुतालिक जिनको जन्म भी दे दिया है। जी, हर मौत ही दुख की बात होती है, ख़ास तौर पे जवान मौत बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है, मगर बलोर फैमिली की एक माजी ऐसा रहा है कि ये ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि पहले बशीर बलोर की इस तरह से बड़ी खौफनाक किस्म की शहादत, उनका शहादत हुई, अभी ये हारून बलोर की बिल्कुल वो हुई, तो वो एक कुछ चीज़ें होती हैं बड़ी दिल को लगती हैं, बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। तो ये उन अमवाद में से एक है, शहादत में से वो एक है कि एक पूरी इनकी एक स्ट्रगल है, एक सियासी उसमें है, और फिर जिस तरीके से इनको टारगेट गया। दूसरा ये है कि हम, ये याद दहानी थी, हम भूल गए थे कि 2013 के इलेक्शन में इस तरह ही डर का माहौल था, खौफनाक था कि पता नहीं इलेक्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, पता नहीं क्यामत आ जाएगी। वो गुजर गया, वो वक्त सारा गुजर गया, लोगों को भूल चुका था। तो इसने एकदम से वो याद करा दिया कि नहीं जनाब, पाकिस्तान का थोड़े से मामला बेहतर ज़रूर हुए, ख़त्म नहीं हुए, हमने अभी भी वो जो बुनियादी वजूहात हैं इन सारे मामलात के, ये टेररिज्म के हवाले से वो समझ रहे थे हम कि वो ख़त्म हो गए, वो नहीं ख़त्म हुई। ख़ास तौर पे टीटीपी चीफ के मरने के बाद ये समझा जा रहा था अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया,
तो वो बिल्कुल ये याद दहानी है इस बात की कि नहीं जनाब, ये नेशनल एक्शन प्लान नामी एक चीज़ बनी थी, वो बिल्कुल ना सिर्फ कि वो गोलमोल हो गई, पूरी इलेक्शन कैंपेन में उसका जिक्र भी नहीं है, किसी मैनिफेस्टो में उसका जिक्र नहीं है। और तो और बल्कि वो जो उसके अंदर जिन एलिमेंट्स को ये बताया गया था कि इनको सुधारना है, सुधारने की बजाय उनको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है इस इलेक्शन में, उनको बल्कि लाया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, और अक्सर जगहों पे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के साथ, पार्टीज़ की सपोर्ट के साथ बल्कि वो आ रहे हैं। तो इस शहादत ने वो याद कराया कि शायद मे भी दोबारा हमें इन सारी चीज़ों को गौर करना चाहिए कि ये कैसे हो रही है, क्या है। दूसरा ये है कि उसको डील कैसे करना है। तो वो मैं देख रहा था आज वो चीफ मिनिस्टर साहब ने केपी के केयर टेकर, उन्होंने कहा जी AIG को भी बदल दो, चीफ सेक्रेटरी को भी बदल दो। फिर सारा दिन ये बहस चलती रही कि जनाब चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने इनकी सिक्योरिटी रिमूव कर दी है तो शायद उस तनकीद हो रही थी। वो एक तबका है जिनको चीफ जस्टिस साहब से जस्ट बिकॉज के वो कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे शराफिया को तकलीफ है, तो दुनिया की हर चीज उन पे डाल दो कि जी उन्होंने सिक्योरिटी नहीं। जनाब ये बिल्कुल गलत बात है। खुदकश बम्बार एक ऐसी चीज है कि इसका इलाज नहीं होता, जो मर्जी आप सदेबाप कर लें, ये लोग भी हमारे में बड़ी तकलीफ है, ब्लोर फैमिली के साथ हमारी बड़ी हमदर्दियाँ हैं, पर ये सब हैसियत लोग हैं, उन्होंने अपनी ये सारे इंतजाम किए हुए थे, मगर 5 साल के बाद गार्ड्स लोअर हो जाते हैं। हमारी ये बात हमेशा ये कहना रहा है कि जो अमीर लोग जो कि सारे अफोर्ड कर सकते हैं अपने, वो प्राइवेट गार्ड रखें, उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब ने जो मुझे याद पड़ता है ये कहा था कि जनाब जहाँ पे बहुत ही वाइटल है, ज़रूरी है, वहाँ पे पॉलिसी बनाएं, तोयन करें। ये जो एक मजाक VVIPs ने रख लिया है कि प्रोटोकॉल के लिए और शोशा के लिए जो है बजाय एट द कॉस्ट ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, एक्चुअली ये जो आपने रखे हुए हैं वो नहीं है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और जेन्युइनली किसी को सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो वहाँ वहाँ गलत है, तो वो सारा मलबा उन पर डाल देना और ये कह देना कि जी ये चीफ सेक्रेटरी को बदल दें और IG को बदल दें और ये कर दें इलेक्शन से 10 दिन पहले, ये मसले का हल नहीं है। वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, हमें दोबारा नेशनल इलेक्शन प्लान और ये इसकी रूट कॉजेज पे जाना है और ये याद रखना है कि ये मामला खत्म नहीं हुआ। ठीक है, हमलों पर तनकीद समझ आ रही है क्लासा साहब, मगर एक जो मखसूस तबका वो इस पूरे हमले का बोझ चीफ जस्टिस साहब के कंधों पर डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बड़ा अहम सवाल है और आमिर ने सही इसको पॉइंट आउट किया है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, ज़रा थोड़ी तफसील बड़ी ज़रूरी है। जैसे आमिर ने भी काम साहब ने कहा कि बहुत बड़ा ब्लो है उसका, हारून बिलोर साहब बिलोर की जो इस तरह डेथ हुई है, तो हम सब जो है सदमे में हैं, बड़ा अफसोस है मैं पूरी फैमिली के साथ। अब सवाल यह है कि जिस दिन यहाँ बेलजी भुट्टू साहबा को कत्ल किया गया था उस दिन यहाँ पे ये साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस है इस मुल्क के, मेन पॉइंट बिल्कुल, जब ये इन बशीर बिलोर साहब को शहीद किया गया था 2012 में, उस दिन चीफ जस्टिस साहब थे, वो वजीर थे इस पिशावर की ANP की अपनी हुकूमत के वजीर थे, सूबाई वजीर, उनको 2012 में कत्ल किया गया था, सिक्योरिटी भी थी, पुलिस भी थी, सब कुछ उनके साथ था। तो ये वहाँ पर उस वक्त ये साकिब निसार साहब बैठे हुए थे और साकिब निसार के आने से पहले आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब, ये क्रेडिट उनको, मैं क्रेडिट जानबूझ के कह रहा हूँ, हर यहाँ पे एरे गहरे नथु खैरे के पास यहाँ पे मर्सिडीज़ भी थी, BMWs भी थी हमारी यहाँ सरकारी खर्चे से, और रेंजर्स के दो दो गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, प्रोटोकॉल भी थे, डाले भी लगे होते, हटो बच्चों भी वहाँ पर चल रहा था। ये क्रेडिट चौधरी निसार अली खान को जाना चाहिए, बड़े लोग नाराज़ हो गए थे उनसे, उन्होंने आके तमाम गैर ज़रूरी तौर पर जिन लोगों के पास जहाँ पर उन्होंने आके VIP प्रोटोकॉल लिया, दिमाग ख़राब हुए होते सबके, और सब ने लिख दिया, अलर्ट जारी कर दिया कि मुझे भी खतरा है जनाब, तो हमें मेरी जान को खतरा है, बाकी छोड़े हुज़ैफ़ा रहमान, डेरा गाजी खान जिसको जानते हैं, सहाफियों ने भी ले ली थी, सहाफियों ने ले ली, एक अलर्ट जारी करवाना होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, कोई मेरे जैसा यार दोस्त बैठे पुलिस वाले, वैसे आपको पता है यार दोस्त से निभाने में बड़े तेज होते हैं, सहाफी ने कहा उसने कहा मेरी जान को खतरा हुआ, कभी अलर्ट जारी करते हैं, उन्होंने अलर्ट जारी करवा के जनाब उन्होंने 4-4 डाले रखे 4-5 करोड़ तो उन पर खर्च हो गए अकेले हुज़ैफ़ा रहमान पे जनाब। उसके बाद आपने यहाँ पे मुझे याद है रहमान मलिक साहब, उनके भाई साहब छोटा वो खालिद साहब, उन पे उन्होंने कहा जनाब इनको अगवा करने की कोशिश की कि उनको 3-4 डाले मिल गए, उनको सिक्योरिटी देना शुरू कर दी, एक तमाशा बन गया था यहाँ पे। जिनको सिक्योरिटी चाहिए थी वो चीफ जस्टिस से मना नहीं की थी, बल्कि कहा था जिनको चाहिए अंडर द रूल्स उनको दें, जिनको नहीं बनती उनको ना दें। जो आज चीफ जस्टिस पे ये डाल रहे ना मलबा, उन्होंने हारून बिलोर साहब की उन्होंने सिक्योरिटी को नाम लिया था, चीफ जस्टिस साहब ने पॉइंट आउट किया था कि मुझे पता चल रहा है कि हारून बिलोर के पास
आपने पुलिस से सिक्योरिटी दी हुई है तो वापस ले लें, जनरल बात की गई थी। फिर अगर आप ये मलबा डाल रहे हैं सारा चीफ जस्टिस साहब पे, तो फिर बशीर बलोर साहब वाला आप किस पे डालेंगे, किस पे डालेंगे? आपके अपने हुकूमती सर्विंग मिनिस्टर थे आपके, ये तो आमिर साहब, ये आगे दो चार चीजें होगी। और तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या पुलिस को हमारे इन सियासतदानों ने, जो मैं उनके सुन रहा था पीपल्स पार्टी वो नहीं संभाली जा रही सबसे ज्यादा, आपसे तो एक ईमानदार पुलिस अफसर नहीं आपसे बर्दाश्त होता कराची में, एक जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, आपने करोड़ों की फीसें दी, क्यों? उनका कसूर क्या था एडी खाजा का कि जरदारी साहब की मिलों का उन्होंने गन्ना आपको लेके नहीं दिया? आप खुद पुलिस को यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट होने देते हैं? अभी भी इंडिपेंडेंट पुलिस का थोड़ा सा कंसेप्ट नजर आया है तो वो आपको तरीके इंसाफ की हुकूमत में नजर आया वहाँ पे। ये उनको क्रेडिट देना पड़ेगा वहां पे, उन्होंने शकील दुरानी साहब के जरिए उन्होंने चीजें बेहतर की, इंडिपेंडेंट लोग आके लाए, 100% कोई बेहतरी नहीं आई मगर बेहतरी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने 90% तक चीजें उन्होंने ठीक की हैं। आप पंजाब में देख लें, आज मुझे एक अच्छे दोस्त मुझे मिल गए पुलिस अफसर, वो कहने लगे कि इन्होंने इतना खौफ ज़दा किया हुआ है 10 सालों में इन्होंने पुलिस को और DMG को, अभी भी वो डरते हैं। शहबाज शरीफ साहब पावर में नहीं है, नवाज शरीफ साहब नहीं है, अभी भी वो इनका नाम सुनना तो त्राह निकल जाते हैं आपके DMG वाले का या आपके पुलिस वाले का। आपने तो थाना कचहरी पुलिस को जितना अब्यूज किया है, यूज किया है, आपने तो जाति मुलाजम भर्ती कर लिया, खानदानी आपने ब्यूरोक्रेट रख लिए हैं, खानदानी पुलिस वाले बाकी छोड़ें। ये मुश्ताक सुखेरा क्या कह के निकले थे, IG थे, उन्होंने कहा जनाब कि आपको पंजाब से ज्यादा गंदी हमारी, उन्होंने कहा था कि हमारी पुलिस ठीक नहीं है और पंजाब के लोगों को गाली देके गए थे सबसे बदतमीज और सबसे गलत लोग हैं ये। आप लोग जो तनकीद कर रहे हैं, सिंध में आपने जो काम किए हैं पुलिस के जरिए, आप किसी अच्छा अफसर नहीं लगने देते, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आने देते, आपने तबाहियां फेर के रख दी है, पुलिस इस काबिल नहीं रहेगी, वो बेचारे क्लरिकल स्टाफ रहेगा हर वक्त यूं करके देखते रहते हैं कि हमारा IG क्या कहा कि हमें आज यहाँ फेंक देगा वहाँ फेंक दा। एक आपको मिसाल दूं शारक कमाल सदीकी की, DPO बहावर नगर, ये जानबूझ के मैं नाम लेता रहता हूँ ताकि लोगों को लगे कि अभी भी दो चार कुछ बच गए हैं इज्जतदार। उनको जनाब आपको याद होगा आलमदाद ललिका साहब MNA नाराज हो गए थे कि मेरे मुलाजिम पकड़ने के लिए छापा क्यों मारा, उनके लिए हुक्म नवाज शरीफ ने जारी किया था यहाँ से कि इनको सूबा बदर करो, यही जो मसूफ थे ये आपके मुश्ताक सुखेरा, इन्होंने 3 घंटे दिए थे शारिक कमाल सदीकी को, जाओ या तो खाना खा लो उसके घर पे या सूबा बदर होंगे वहां का हजूर सूबा बदर, अनरेबल आदमी था शारिक कमाल सदीकी। आपने तो पुलिस का ये हशर करके रख दिया है, आज कहते हैं पुलिस हमें आके सिक्योरिटी नहीं दे पा रही, आपने इस काबिल छोड़ा है पुलिस को। एक और सुने आमिर साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग काम, लोग भूल गए होंगे कि सारा मलबा डाला गया है कि जनाब के चीफ जस्टिस ने सिक्योरिटी ले ली है, सिक्योरिटी पाकिस्तान में किसी गटर का ढक्कन गायब हो जाना है वो चीफ जस्टिस की वजह से, या उन्होंने नोटिस क्यों नहीं लिया फलां जगह पे जनाब आपकी बस उल्टी हुई तो चीफ जस्टिस नोटिस क्यों नहीं लिया? रेलवे में जी लोटे का चेन नहीं था वहां पे जी चीफ जस्टिस की वजह से उनकी नहीं था। आमिर साहब एक स्कैंडल आपको बड़ा पुराना स्कैंडल में लोगों को आके मैं रिवाइज करना चाहता हूँ कि बशीर बिलोर साहब का उनका मर्डर हुआ या हारून का मर्डर हुआ, इसके पीछे जो असल कहानी है जरा वो जरा सुन लें कि कौन जिम्मेदार है, जरा कान खोल के सुने कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या हुआ है। 2008-09 में बल्कि 9-10 में आमिर साहब जब ANP की हुकूमत थी, जरा ANP के वर्कर जरा ये कान सो ये खोल के सुने जो चीज़ें मैं अब आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ कि बिलोर फैमिली की या असैसिनेशन के पीछे किन लोगों का हाथ है। सर 2009-10 में एक टेंडर दिया गया 4 बिलियन रुपीज़ का KP में, जिसको हम कहते हैं वेपन स्कैंडल कहते हैं, उस वक्त इन्होंने खरीदनी थी बुलेट प्रूफ जैकेट्स आमिर साहब इन्होंने खरीदनी थी, पुलिस को इन्होंने आके तैयार करना था और वार ऑन टेरर चल रही थी, धमाके हो रहे थे, बंदे मर रहे थे आपके सामने वह पिशावर में और पूरे सूबे में, तो ये सोचा गया कि 4 बिलियन रुपीज से आप इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें पुलिस के, और KPK की पुलिस बहादुर पुलिस है, वो भागने वाली नहीं है, ये दाद दें इसमें कोई शक, वो बेचारे शहीद हुए, बड़े बड़े नाम है, सबसे बुरे हालात KP फाटा में रहे हैं और उन्होंने फेस किए हैं, भागा नहीं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे रही है, आपने पश्तूनों को या हजारा के या जो भी वहां सराय की ये पुलिस में है उनको दाद दें वहां पे KPK में, भागे नहीं है ये, लड़े हैं फ्रंट पे खड़े होकर लड़े हैं, वो वहां पे फरार नहीं हुआ, गोलियां उन्होंने अपने चेस्ट पे खाई हैं, पीछे नहीं खाई, उनके साथ इन्होंने क्या बिट्रेल किया ANP ने आमिर साहब, ये सुने बंदे के वो क्या कहते हैं आपका दिल दुख से भर जाता है कि जो आज रो रहे हैं ना ANP वाले, इनकी बड़ी लीडरशिप के कैसे इन्होंने कंप्रोमाइजेज किए और माल बनाया, किस में से माल बनाया, पुलिस के असला स्कैंडल से 4 बिलियन रुपीज का मनसूबा बना आमिर साहब, इससे हम जैकेट्स भी लेंगे और दीगर कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे और पुलिस वाले अब जैपनीज जो है ना वो आप उनके होंडा वो भी लेंगे यामस वगैरह, इन्होंने सर 1 बिलियन रुपीज की उसमें इन्होंने किक बैक्स लिए, 3 बिलियन रुपीज का प्रोजेक्ट था, 4 का था 4 में से 1 करोड़ रुपया इन्होंने कमीशन में खाया, इन्होंने रिश्वत ली और किन किन लोगों ने लिया आमिर साहब वो जरा सुनते हैं, जरा स्क्रीन पे हमने बैठ के कुछ आपके सामने आगे रिसर्च शेयर किए। एक ठेकेदार साहब पकड़े गए सर 2009-10 में जिनका नाम था अरशद मजीद,
अरशद मजीद ने 25 मई 2013 को जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इलियास नखां के सामने अपना उन्होंने बयान हल्फी आके रिकॉर्ड करवाया कि मुझसे किस किस ने पैसे लिए हैं। सबसे ज्यादा पैसे लिए गए साबिक वजीर जो उस वक्त वजीर आला थे अमीर हैदर खां होती एएनपी की, इनके बिरादरी ला जो है गजन खान जो है उनको पैसे दिए गए। और गजन खान को कैसे पैसे दिए गए, 1 करोड़ ये रुपया जो था डॉलर्स में पेमेंट हुई, 1 करोड़ रुपया जो है उनको उन्होंने पाकिस्तानी रुपये में दिया और वजीर आला हाउस की एनेक्सी में पे किए गए। ये अरशद मजीद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने कहा है ये असला खरीदा जा रहा है सर इनके लिए, और उनको कहा कि जनाब उनको हुक्म दिया, उन्होंने कहा 1 अरब रुपया मैंने एएनपी हुकूमत में यहाँ पे मैंने वो दिया रिश्वत दी है उसने कहा। और प्लस उनको ये कहा गया कि ना मुझे कहा गया कि तुमने 20 करोड़ रुपया जो है ना ये अमीर हैदर खान होती के भाई को देना है जो बिरादरी ला है। अच्छा। तो उसने कहा मैंने उसको बताया साबिक आईजी इन केपी के मलिक नवीद को कि मेरे पास तो 20 करोड़ रुपया नहीं है। तो उनको कहा गया कि आप एक काम करें बुलेट प्रूफ का जैकेट का अब रेट बढ़ा रहे, पहले जैकेट का रेट था 48,000 रुपये पर जैकेट, उन्होंने कहा 7,000 बढ़ा लें 7.5 ताकि 20 करोड़ रुपए की पेमेंट हो सके अमीर हैदर खान होती साहब के बिरादरी ला को। उन्होंने जनाब 48,000 से बढ़ा के उसको 55,500 करके उसमें से 20 करोड़ रुपया जो है उन्होंने उनको कैश दिया ये लें। आगे सुने आमिर साहब जो मजे की चीज है, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया था और मलिक नवीद जो है आई जी थे उनके बारे में अरशद मजीद ने इंकशाफ किया जो पुलिस के आई जी एएनपी के थे एएनपी दौर में कि 36 करोड़ रुपया मैंने उनको दिया और उनके घर पर 9 एयर कंडीशन भी लगवा के दिया मैंने। आमिर साहब आगे सुनते हैं जरा। इसके बाद उन्होंने कहा जनाब के वजीर आला होती के एक वहां मुशीर थे न्याज, उनको कहा गया जनाब के 1 करोड़ रुपया इनको भी देना है आपने, डॉलर में भी देना है और करंसी में भी देना है। और जिसने बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया, ये जरा करप्शन की कहानी सुनते हैं कि एएनपी दौर में इन्होंने कैसे पुलिस को वहां पे आके ना उसके नाम पे माल बनाया, पुलिस को डिमोरलाइज किया। उसमें यह कहा जवेद खान बजट अफसर जिसने डॉक्यूमेंट बनाना था सारे पैसे रिलीज करने थे 42 करोड़ रुपया उसको पेमेंट की गई, 42 करोड़ सबसे ज्यादा उसने लिया सर। इसके बाद उनको कहा गया जवेद खान ने कहा ना मुझे घर भी लेके दें, तो अरशद मजीद कहते मैंने अपनी सेकेंड वाइफ के ये बैंक अकाउंट से 80 लाख रुपए का घर लेके दिया। तो जवेद खान ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डिमांड की कि वो भी पूरी करें, वो जरा ब्रेक के बाद हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ जो रो रहे हैं ना कह रहे हैं कि आपके मतलब जुल्म हुआ, ये जुल्म अमीर हैदर खान होती एएनपी के दौर में किया गया जब पुलिस के नाम पे 1 बिलियन रुपीज आपने कमाए हैं। वो इंटरेस्टिंग रीजन मैं बताता हूं, इंटरेस्टिंग रीजन क्या थी और डिमांड क्या थी। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नवाज शरीफ साहब ये जो फरमा रहे हैं कि जेल की कोठरी सामने देख रहा हूँ मगर वोट को इज्जत दो का वादा पूरा करने के लिए वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे हमारे साथ। बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे क्लासेस साहब, वो दिलचस्प डिमांड और चीज आपको आपने सुन लिया ना जो आज एएनपी वाले वहां पे कर रहे, अपनी क्यादत के गिरेबान पकड़े कि जब पुलिस वालों को ये पता हो कि हमारे नाम पे 1 करोड़ रुपया अमीर हैदर खान जो होती साहब का खानदान खा गया, उसका पीए खा गया, कोई बजट डॉक्यूमेंट खा गया, जवेद खान की सुना रहा था बजट डॉक्यूमेंट जिसने बनाया 42 करोड़ लिए, 80 लाख का घर अलहदा लिया, 82 करोड़ कैश लिया, साथ में कहा मुझे हज भी करवाओ। क्या बात है, अरशद मजीद ने जनाब उनको और उनके बीवी बच्चों को हज करवाया 30 लाख रुपए का, 42 करोड़ रुपया रिश्वत ले ली, 80 लाख का घर ले लिया, साथ में कहा मुझे हज भी करवाएं, वो हज भी करके आया जनाब। बात यहाँ पे नहीं मुकी, जिनसे इन्होंने यहाँ पे एनओसी लेना था वेपन का इंटीरियर मिनिस्ट्री से, वहाँ पे फतेह खान साहब थे, उन्होंने जनाब एनओसी लेना है तो 3 करोड़ रुपया मुझे देना पड़ेगा, अरशद मजीद ने उनको 3 करोड़ रुपया दिया, ये कंट्रैक्टर है। इसके बाद वो फंस गए उसमें, नैब ने अब तहकीकात शुरू कर दी कि आमिर साहब आपका आईजी हो, आपके इंटेलिजेंस के अफसर हूँ, आपके यहाँ पे आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे हुए वो लोग हूँ, बजट डॉक्यूमेंट बनाने वाला हो, अमीर हैदर खान होती का अपना खानदान हो, उसका पीए हो, न्याज उनका मुशीर हो, ऊपर से लेके नीचे तक किसी ने रहम नहीं किया, ना आईजी ने किया, 1 अरब रुपया कैश लिया। जब पुलिस तक ये बात पहुंचती है कि हमारे नाम पे इन लोगों ने बैठ के 1 बिलियन रुपीज करप्शन किए, वो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी और वो पुलिस आपके लिए जान देगी। लास्टली मैं बता दूं मजहर काका खेल FIMA एंटी काउंटर टेररिज्म को हेड कर रहे हैं, 60 लाख रुपया उन पे इल्जाम था, इन्होंने पैसा माल बनाया वहां से वेपन स्कैंडल से, नैब को 60 लाख रुपया पेमेंट करके मजहर काका खेल प्ली बार्गेन करके, वो आजकल चहीते हैं वहां पे आपके FIA में, वो पहले एयरपोर्ट पे लगे थे, ये प्ली बार्गेन के बाद की बता रहा हूँ, पैसे खा के 60 लाख रुपया लेके मजहर काका खेल, आजकल आपका एंटी टेररिज्म विंग जो है ना उसका लगे हुए हैं जिस मुल्क में ये बर्बादी, कर लो सिक्योरिटी जो 60 लाख रुपए वहां पे
वो प्ली बार्गेन पे अपना मान क्या है कि मैंने वेपन स्कैंडल में किया है, वो आपके DGFIA साहब हूं या दीगर, उनके नाक के बाल बने हुए हैं, आप सिक्योरिटी कर लें और सारा मलबा उठा के चीफ जस्टिस पे डाल दें, या सारा चीफ जस्टिस साहब के कमाल आते हैं, उन्हीं की करामात है आमिर साहब, ये उन्हीं का कसूर है जो 1 करोड़ रुपया ANP खा गई है, ये मजलूम बने हुए हैं सारे के सारे, आपने मरवाए हैं सारे लोगों को। एक ऐड कर दूं कि बिल्कुल ये बहुत ही तकलीफ में है हम हारून बलोर की शहादत पे, मगर उसके साथ वो बाकी 19 लोग भी जो बेचारे ना हक मारे गए, बेगुनाह मारे गए, उनका जिक्र नहीं होता क्योंकि वो बेचारे VVIP या अमीर लोग नहीं थे या बड़े लोग नहीं थे, वो भी उतनी ही ट्रेजिक थी। बिल्कुल सही है, मजलूमों की बात हुई है तो आमिर साहब, नवाज शरीफ साहब भी अब खुद को बड़ा मजलूम समझते हैं मगर फिर भी कौम का साथ देने के लिए वो वापस आ रहे हैं जुम्मे को। जी वापस आ रहे हैं, मगर आज उनकी तकरीर थी, उन्होंने इतना टाइम लिया कि असूली तौर पे, क्योंकि सारे इलेक्शन जो है ना कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह वो इम्पॉर्टेंट ही नहीं रहेगी, सारा दारोमदार इस पे है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी साहबजादी आएंगी, कितना बड़ा जुलूस होगा, वहाँ क्या होगा, कितनी बड़ी क़यामत आएगी, छोटी आएगी, दरमियानी आएगी, बड़ी आएगी, या कुछ होगा ही नहीं, क्या होगा नहीं होगा इसी पर ही है। और इतना बड़ा इवेंट था, मगर क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो थी वो इतनी लंबी थी और इतनी उन्होंने ड्रैग की कि टेलीविज़न चैनल्स ने वन आफ्टर अनदर जो है ना उन सब ने काट के उन्होंने कहा अपनी प्रोग्रामिंग करो। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक उसका एस्पेक्ट था कि असूली तौर पे ऐसे मौके पे जबकि सारा दारोमदार इनके आने पे है, नून लीग की कम अज़ कम सियासत का और इंतखाबात का, तो उनकी दिखाई जानी थी, मगर उनकी तकरीर वो ही तकरीर पिछले जब से वो पैनमा के केस में नाहल हुए हैं, वो तकरीर जो चल रही है वो उन्होंने पूरी रिपीट की शुरू से के कामे से निकाला था नहीं निकाला था, फिर उसमें उन्होंने ये भी रिपीट कर दी दोबारा कि मैंने वो सैलरी जो कि मैंने ली नहीं थी, हालांकि आप उनके वकील जो है वो जजमेंट में भी आ चुका है, उनके वकील आप मान चुके हुए हैं कि तनख्वाह एक्चुअली ली थी उन्होंने, बल्कि वो मज़ का केस लग रहा था, वो पुरानी तकरीर ही चल रही थी कि वो तकरीर जो मैंने नहीं ली थी और कामे पे निकाला गया, पनामा हो गया, ये हो गया, वो ड्रैग किए जा रहे थे, ड्रैग किए जा रहे थे, उसके अंदर वो बोरिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गई थी, उसके बाद वो काटनी पड़ गई, पर उसके अंदर बुनियाद दिया है कि सोती कैफियात बहुत थी उन्होंने जाहिर है उनकी बड़ी हमें भी तकलीफ है, उनकी बेगम साहबा वाला वो भी उन्होंने किया, साथ में बेटी का भी बताया, देखें जी बेटियों को तो नहीं इस तरह 8 साल की कैद करते, वो भी करवाया, और सारा करने कराने के बाद आखिर में बीच में समझ नहीं आई, तरला भी था उसके अंदर, धमकी भी थी कि जनाब देख लें वरना फिर क्या होगा, इस टाइप का भी था, तो 2-3 चीज़ें थी, एक तो ये था कि उन्होंने अखलाकी जवाब बहुत निकाला कि देखें मैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए वापस जाता हूँ, हालांकि पता है मुझे कि जेल में जाना है मगर मैं जा रहा हूँ, तो जहन में ये ख्याल आ जाता है कि इतना आप अखलाकियात के हम बन गए हैं और इतने आप पाकिस्तान का ख्याल आता है, तो वो दो दर्द जो आपके इतने माशाल्लाह बड़े सेहतमंद किस्म के बेटे हैं वो मफरूर हैं, उनको भी साथ ले आए ना, फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करें, इसहाक डार को भी, इसहाक डार साहब भी जो समझी हैं हर जगह वहाँ मैराथन में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको भी कहें जी इंसाफ के तकाजे पूरी करें, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, हम हर चीज़ दिखाना चाहते हैं और इंसाफ का बोलबाला करना चाह रहे हैं, ये ले चले मेरे साथ और बताएं इनको, दिखाएं रसीदें, वो नहीं नहीं वो सिलेक्टिवली ना, वो आपका गजनी फैक्टर आ गया, साथ में उन्होंने एक बड़ी भोंडी सी एक कोशिश की, उन्होंने ना दरार डालने की कोशिश की, उन्होंने कहा पाकिस्तान फौज का जो है ना स्पाई तो बहुत अच्छा है, बड़े अजीम लोग हैं, सियाचिन पे लड़ रहे हैं, ये थोड़े से जर्नैल हैं, ये खराब हैं, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये हमेशा से पड़े हुए हैं, इनकी वजह से ये वाला सारा है और बाकी जो है खलाई मखलूक है, ये है सब कुछ होगा, तो सिर्फ यही गुजारिश है कि अभी भी वो स्टेज नहीं ख़त्म हुई है कि बाकी चीज़ें रहती हैं, अपील 2 दिन में कुछ बड़ी जल्दी इनकी हो सकती है कि रसीदें ज़रूर लेते हैं इस दफ़ा, क्योंकि वहाँ लंदन से अभी अफवाहें चल रही हैं, सोशल मीडिया भी ये चीज़ें चल रही हैं कि एवन फील्ड्स के बाहर क्योंकि उन अपार्टमेंट्स के बगैर ये हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया है, तो शायद इसको किराए पर दे के वो किसी और जगह मूव कर रहे हैं, तो वो ये वाली जो तदबीरें कर रहे हैं, तो आते वक्त 2-4 रसीदें लेते आए तो मामला ही दफन हो जाए। सही है, ठीक है क्लास साहब, लेकिन शबाश साहब ने भी कह दिया जरा सा इलेक्शन में कुछ हुआ तो उसी शाम एहतजाज होगा, बहुत आप काम करें, एहतजाज तो मुझे खैर नहीं लग रहा है एहतजाज कर सकेंगे, वो हम कल उस पर बात करेंगे तफसील से, पूरा शो करेंगे इस पर, मेरा ख्याल कौम को ना जरा वो दोबारा क्यों गजनी है, हम नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी बेटी का कहा है ना कि बड़ा जुल्म है, उनको सजा हुई है, सही ठीक है जी, हम तो उस पर जो इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा को सजा दिलवाने के लिए
इन्होंने फोन करवाया था सैफ रहमान से, अपने अपने हिटमैन से, जो सियासी हिटमैन था इनका, क्योंकि ये रिपीट करते रहते हैं अपनी तकरीर, हम भी रिपीट करते हैं, आदमी भूल जाता है तो हमें भी बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। भुट्टू को कितनी सजा दिलवा रहे थे, जरा कौम को एक दफा फिर, वो भी बेटी थी अपनी अपनी बेटी के लिए दिल पसीज गया, मगर भुट्टो साहब की बेटी के लिए क्या फरमा रहे थे जरा वो सुन लीजिए। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना, तो मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बताइए, आप लोग आजकल में एक दो एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है, खुश लूबी नहीं हो जाए ना ज्यादा अच्छा है। सारी बात इनकी सुनती की आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, साथ ही चलेंगे। इंशाल्लाह मेरे मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। मान ली हुए वो आदमी बड़ा आगे से लड़ता है जी, वो तो कहती है वो। अच्छा अच्छा, आप उसको मेरे मुझे बाहर बताइए, उसको सजा कितनी देनी है? जो जो आप लोगों ने बताया जी, बिल्कुल सात नहीं देनी, सात नहीं, पाँच साल कर देते, ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। सात तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ, ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी, दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने, कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, प्रॉपर्टी जिससे हमारे पैसे, और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, तो ये तो मैंने कर दिया। दो साल जो स्टेशन पर ये नहीं काउंट करना? नहीं नहीं, वो भी नहीं चलेगा, वो तो वो हो नहीं सकता जी। ये पकड़ा नहीं हुआ था हमारे केस में, ये पकड़ा नहीं हुआ था, और वो जो है उसको वैसे बेल पे है वो, तो उसका वो तो काउंट होगा ही नहीं। ये सारे ये जितना अच्छा है इसको अंदर ही रहेंगे, कल हो जाएगा, कल हमने फैसला भी सुना देना सर, कल कल। ये क्लिप तो हमने कौम को दिखा दिया, अभी छोटी सी ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आके इस पर कुछ डिस्कशन होगी, मगर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में तलाल चौधरी के सियासी मुस्तकबिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट के चूंकि हाथ में है, इससे मुतालिक में बात होगी, और असल में डैम की तामीर के लिए रकम हासिल करने के कौन से मजीद अहम जरिए हैं उनसे मुतालिक में बात होगी, साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। अभी हमने आमिर साहब ब्रेक से पहले वो क्लिप दिखाया था, अपनी बेटी को सजा हुई है तो कौम की बेटियों की तौहीन हो गई, ये नवाज शरीफ साहब। ये क्लिप हम बार बार इसलिए दिखाते हैं कि उनकी तमाम जो तकरीर थी उसका ये अकेली एक क्लिप जो है ना उसका जवाब है। वो जो ये कहते हैं कि 70 साल में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई, और जिस तरीके से सिर्फ मुझे फंसाने के लिए सारे सिस्टम को रिक किया गया है, और ब्ला 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 ब्ला, ये सारा जवाब है। और मुकाफात अमल यह है कि एग्जैक्टली जो इसमें कहा जा रहा है कि 7 साल कैद, मरियम बीबी को 7 साल कैद हुई है, साथ में नाअहली जो इनको नाअहली हुई है, और कन्फिस्केशन ऑफ जायदाद और जुर्माने, वो जो जुर्माने हुए हैं वो एग्जैक्टली वही जो लोगों को उस वक्त जज बहुत अच्छे थे, अदालतें बहुत इंसाफ कर रही थी, और ये बहुत ही क्रीन लोग थे, सारी खराबी आ जाए ये है। पर मैं क्विकली जरा 2-3 कमेंट्स कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारी इस वक्त सियासत और इंतखाबात जो है वो इनके आने पे दारोमदार है, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये बताते चलें कि इस वक्त पूरे पंजाब में खास तौर पे हर एमपीए एमएनए का नून लीग का कैंडिडेट जो है ना वो इस वक्त बेचारा परेशान है कि मैं जाऊँगा, अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो 10 दिन रहेंगे तो क्या होगा, मुझे पकड़ लिया उन्होंने तो क्या होगा, जाने दिया जाएगा नहीं जाने दिया जाएगा, कैंपेन छोड़ूँ वहाँ जाऊँ पता नहीं वो बाहर आएंगे नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ साहब उससे ज़्यादा परेशान होंगे मेरा ख्याल, कि लीड करूंगा, अब उन्होंने कह दिया लीड कैसे करना है, अगर वो खुद आगे ही मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब और उनकी साहबजादी का भी इम्कान है कि वो वहीं से उठा के बाइल पिंडी ले जाए जाएंगे, और उनको मौका वो बेनज़ीर भुट्टो वाला नहीं दिया जाएगा कि वो बाहर आके तकरीरें करें और लोगों को करें। वो इसलिए भी आम आदमी के बिल्कुल असम्बली के आइनी हकूक होते हैं कि उनको मौका दिया जाए जल्द से जुलूस का, वो मुजरिम है, मुजरिम के वो राइट्स नहीं होती हैं। सो इसलिए पंजाब गवर्नमेंट भी सारा उनके ऊपर भी वो कड़ी जो है एक दूरबीन लगी हुई है
कि उनका इम्तिहान है कि वो कैसे डिलीवर करती है, वहाँ रेंजर्स भी मौजूद है, वो भी है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब की एक कैपेसिटी के भी मसले हैं, एक उनकी नीयत के भी मसले हैं, दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। साथ में मैं एक ऐड करता चलूं कि अभी जो है PDMA जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से ये नोटिस इशू हो गया है कि थर्सडे से लेके हफ्ते जुमरात से लेके हफ्ते तक 13-15 की जुलाई के दौरान में बहुत ही ज़्यादा बारिशें, थंडर स्टॉर्म और वो जो पहले बारिशें हुई हैं तकरीबन उस तरह की नहीं तो उससे ज़्यादा की फोरकास्ट आ गई है। और वो जो बेचारे चलेंगे और ये गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोधा डिवीज़न में ख़ास तौर पर जिन इलाकों से इन्होंने बंदे बुलाने हैं उन इलाकों में बारिशें हैं। और ऑलरेडी लाहौर के अंदर मैं ये कह चुका हूँ कि जो सारी बस्तियाँ हैं वो सारी पहला पानी नहीं निकला, मज़ीद पानी बढ़ जाएगा जिसका इलेक्शन के ऊपर इनका इम्पैक्ट आएगा। शहबाज शरीफ साहब से मशवरा ये है कि जब वो निकलें घर से जलसे को लीड करने के लिए हज़ारों लाखों के लोगों के समंदर को, तो साथ में एक तो अपने रबड़ के जूते ज़रूर निकाल लें, तो एक कश्ती भी रख लें, दो चार चप्पू भी रख लें और एक जो है ना लाइफ जैकेट का भी इंतज़ाम कर लें क्योंकि वो बताते हैं कि उनकी स्विमिंग को इतनी अच्छी नहीं है। सही है, ठीक है, बारिशों से क्लासेस आप डैम्स की तामीर की तरफ बढ़ते हैं, फौरी और बड़े जरिए कौन से हैं कि डैम्स की तामीर हो सके? अमर साहब, हमने कुछ, हमारे किस्मत खान ने कुछ इस पर रिसर्च किया है, चीफ जस्टिस साहब को आइडियाज़ देना चाहते हैं कि थोड़े से कि लोगों की जेबों से 500,000-2,000 से काम नहीं चलने वाला, $14 अरब का मनसूबे हैं तो आपको बड़ी लंबी तगड़ी आपको अमाउंट चाहिए। सबसे पहले तो अमर साहब जो हमने ये कल भी हम नहीं कर सकते आज करते हैं, इसहाक डार साहब ने कहा था कि $200 अरब पाकिस्तानियों को स्विट्जरलैंड बैंकों में पड़े हुए हैं, $200 अरब, ये मजाक नहीं है सर, ये सारे के सारे एक क्या आप 400 डैम बना लें सर जनाब, इन्हीं अमाउंट से जरा वो पैसे आप रिकवर करवाएं, इन लोगों पे तो रखा हुआ है। असगर खान केस में जो ISI से जिन्होंने पैसे लिए थे आमिर साहब, जरा वो वापसियाँ करें, वो चाहे 16 करोड़ है तो चाहे वो 30 करोड़ है, और मेहरान बैंक स्कैंडल इन्होंने खोल लिया तो मजीद करोड़ों रुपए की रिकवरी सियासतदानों से वहाँ से भी हो सकती हैं। इसके बाद जो बड़ा स्कैंडल था 480 बिलियन रुपीज़ का पहला स्कैंडल था इसहाक डार का, कि इन्होंने जो आके आपको याद होगा आई पी पीज़ को इन्होंने अदायगियाँ की थी और बाद में अख्तर बुलंद राना ऑडिटर जनरल ने जो इसकी आके ऑडिट करवाया था 190 बिलियन रुपीज़ की इन्होंने ओवर एंड अबव इन्होंने उनको अदायगियाँ की थी, वो केस अभी तक पड़ा हुआ है वहाँ सलीम मांडवी वाला के पास, वो मंगवाएं और उन IPP से पैसे वापस करवाएं। एक और यहाँ पे केस आया था रॉयल पाम का, बहुत बड़ा केस था ये जो आपके लाहौर का ये क्लब है, केस है अभी, और जिसमें शेख रमजान साहब पिछले 18 साल से चल रहे, शेख रमजान ने खुद ऑफर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख के रेलवे को कि मैं 16 आपको अरब रुपए देने को तैयार हूँ अगर केस को सेटल किया जाए। टोटल 40 अरब रुपए का केस स्कैंडल था। आप माई लॉर्ड उनको बुलवाएं, शेख साहब को ऑलरेडी उनका ECL पे नाम है, उनकी ना तफ्तीश हो रही है, उनको कहें कि 16 अरब रुपया आपने कहा हुआ है हमें, उस पर जितना सूद मजीद बनता है पिछले 10 साल का 16 बिलियन रुपीज रॉयल पाम क्लब के शेख रमजान और बाकी शेखों से पैसे कटवाएं सर, वहां से निकल सकते हैं। जहां से इसके बाद जो मेन आम साहब हैं 179 मेगा स्कैंडल के मुलजमान, इनसे बहुत सारी यहाँ पर रिकवरीज होने वाली हैं। यहाँ पनामा लीग, दुबई लीग्स, पैराडाइज ना लीग्स, बहामा लीग्स वगैरह में हज़ारों पाकिस्तानियों को यहाँ पे जो नोन हैं उनकी प्रॉपर्टीज आई हैं, उनको अभी तक किसी ने वहाँ पे उनसे पैसे नहीं निकाले। वो जुल्फी बुखारी को बुलाते हैं तो वो चाय पिला देते हैं, अलीम खान साहब पकड़े गए वो नहीं संभाले जा रहे, और बहुत सारे आपके हैं उनको ज़रा बुलाएं, ज़रा उनसे पैसे निकालें। ये ग्रैंड हयात वाला आमिर साहब 25 बिलियन रुपीज़ का स्कैंडल, जो हम इसको करेंगे आपको FIA का असल चेहरा दिखाएंगे कि जहाँ पर अपना इनके मफाद आ जाए ना FIA के अफसरान के, तो कैसे इन्होंने ग्रेन है यात वाला स्कैंडल के हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वहां फ्लैट है, फ्लैट है मांग अदर्स दी होल एलीट ऑफ पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान। वो बड़ा मजे का स्कैंडल है कि 2500 रुपए का स्कैंडल FIA ने कैसे सेटल किया। कैप्टन शोएब की आपको दास्तान कहानियां सुनाएंगे। डॉक्टर आसिम आज उन्होंने फरमाया कि मैं डैम के लिए मैं भी तैयार हूं ये चंदा देने के लिए। जनाब आप चंदा ना दें, 500 अरब रुपए का आप पे रेफरेंस है नैब का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ही दे दे अपना वो पैसे दें, जो 500 अरब रुपया आपने हमारा यहाँ पे ये बकौल नैब के आपने लूटा हुआ है वो वापस, वो लाडला है वैसे उसका नाम ECL से भी निकाला हुआ है कि आप जाए दुनिया भर फिर के डॉक्टर आसिम से आप पैसे निकालें। इकबाल जडैमा सर 50 अरब रुपया तो सिर्फ LNG की लेटेस्ट जो सेकंड टर्मिनल है वही है। मैं कल इनको बताऊंगा कि 24 अरब रुपया और कहां से आ सकते हैं। एक मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गया बड़ा मजे का है, वो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि चीफ जस्टिस साहब 24 अरब रुपया एक और जगह भी पड़ा हुआ है वो भी आप वहां से निकलवा सकते हैं। इकबाल जडैमा साहब आप इनका इनको अंदाजा करें, 46 करोड़ रुपया इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माना किया। इन्होंने आपको याद होगा LPG की इन्होंने
आके मुनापली की थी। एतजाज एहसान ने 10-12 साल से स्टे लेके दिया हुआ है अपने यार बाली को, तो चीफ जस्टिस साहब आप भी वो केस सुनते रहे हैं, आप मेहरबानी फरमाएं स्टे खत्म करवाएं, कल ही ऑर्डर करवाएं। ये 10-15 साल से पड़ा है कि फौरी तौर पर जो 46 करोड़ रुपया है कंपटीशन कमीशन ने इकबाल जैद अहमद पर जुर्माना किया वो आपके अकाउंट में जमा करवाया जाए। इकबाल बाली साहब को कल ऑर्डर करें और उसके एतजाज साहब की बातों में ना आए जो बड़े अदालत के आजकल वो बड़े हमदर्द बने हुए हैं और बेल आउट लेके पैकेजेस जैसे उन्होंने उनको लेके दिया है उनको इनको मलिक रियाज साहब को, और बहुत सारे इसमें आपको डिटेल मिलेगी कि इकबाल जैद अहमद साहब पे क्या क्या इनके पास पैसे हो सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का 60 मिलियन डॉलर अभी तक नहीं पता सर आमिर साहब वो किधर गए, अदालतें भी हाथ अपने छोड़ गए, नया 35 अरब का तो आ गया है वो 6 अरब पे हम भूल गए। अनवर मजीद साहब का आ चुका है, कमर जमान चौधरी साहब जी छोटी अमाउंट नहीं लगेगी, बाद आपको मैसेज देने, कमर जमान चौधरी साहब जो है जेली एफिडेविट दे के फौज से 33 साल तक पेंशन वसूल करते हैं, मेहरबानी फरमाएं वो मान चुके हैं, ये उनके लिखे हुए हैं उनके, वो डबल लेते रहे हैं गैर कानूनी लेते हैं। कमर जमान चौधरी से भी चीफ जस्टिस साहब को ऑर्डर करना चाहिए कि जो पेंशन का गैर कानूनी इन्होंने आके हराम का पैसा खाया है वो इनसे निकलवा के वहाँ पर जमा करवाएं। आपके शर्जील मेहमान साहब हैं इन्होंने 5 अरब रुपया इन पे है आमिर साहब, अलीम खान साहब लास्ट मिनट क्लास देखें जी लास्ट मिनट भी हो गया जनाब, ये लंबी लिस्ट लंबी है, कल फिर जाएंगे। पॉइंट ये है कि बिल्कुल वो अच्छी बात है कि फौज पाकिस्तान भी दे रही हैं और लोग भी दे रहे हैं, सरकारी मुलाजिम अफसरान से ज्यादा लें, क्लर्कों बेचारों को छोड़ दें, मुजरमों से पहले लें, रिकवरियां करें, और हमारे कर्जे जो खा गए लोग उनसे लें। अलीम खान 2016 में अलीम खान ने ईओबीए को कहा था मैं आपका 1 अरब और 56 करोड़ का इल्जाम है इन पे, अलीम खान पे जो तरीके इंसाफ का लीडर है माशाल्लाह और चीफ मिनिस्टर बनने की दौड़ में, 1 अरब 56 करोड़ का अलीम खान ने ईओबीए को उन्होंने यहाँ पे उन्होंने नुकसान दिया हुआ है। जनाब मेहरबानी फरमाएं अलीम खान ने लिख के दिया हुआ है कि मैं अपनी जमीन वापस लेकर पैसे आपको लौटाने पे तैयार हूँ, तो जनाब अलीम खान से भी एक जमीन के इस दौरान में रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया होता ही बड़ा सांत्रिक है वो जमीन लेके ना उसको बेच के ना उससे करें आप उसमें करें। बाकी अरशद मिर्जा इसमें मिफ्ता इस्माइल कंपनी ये आपके वजीरे दाखला का भाई एहसन इकबाल का ये कल के लिए पार्ट 2 रख लेते हैं, और कल मैं आपको ये भी बताऊंगा ये फहमीदा मिर्जा सैफ रहमान जनरल कुल्ली लंबी लिस्ट है, हमने बड़ा इस पर उस किस्मत खान काम किया है, कल आपको 24 अरब रुपए का कल बताएंगे कि 24 अरब रुपया किस जगह पे पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट के साथ दिखाएंगे, चीफ साहब निकलवा सकते हैं। बड़ी अहम स्टोरी, 24 अरब रुपया बहुत बड़ी रकम कहां पड़ी है, कल के शो में आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही मैं चाहती थी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।